गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सोच रहे होंगे इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने क्यों यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी किचन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं मेरी किचन में, मेरा टाइम भी बचाते हैं और मेरा काम भी आसानी से हो जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नाइफ से। नाइफ तो आप सभी की किचन में होते होंगे, तो नाइफ हमारे किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है, इनका ही रोल होता है हमारे सबसे ज़्यादा। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे चार तरह के नाइफ़ रखे हुए हैं। वेजिटेबल के लिए अलग रखती हूँ, और ब्रेड का वगैरह कट करनी है, स्लाइसेस काटनी है तो उसके लिए मेरे पास अलग नाइफ है, इससे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। सिलिकॉन ब्रश इससे आप बहुत आसानी से ऑयल वगैरह स्प्रेड कर सकते हो तवे के ऊपर, पराठों के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑयल भी कम लगता है इससे। ऑयल आप इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि इससे खाना बहुत फ्रेश रहता है। आप इसमें रोटी पराठे वगैरह रैप करके रख दो, या कहीं जर्नी पे भी जाना है, आप सिंपली आपने उठाया रैप किया टिफिन में रखा चल दिया, तो ये हमेशा फ्रेश बना रहता है इसे। इस वजह से अपनी इलेक्ट्रिक केटल में आप पानी भी बॉयल कर सकते हो, एग बॉयल कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसमें जल्दी से चाय भी बना सकते हो, दूध भी गर्म कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये लगती है कि इसको आप जर्नी पे या कहीं भी अपने साथ आराम से कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैशर, आपने पोटैटो बॉयल किया या टोमेटो बॉयल किया मैश करने के लिए, आपके हाथ भी नहीं जलते हैं, तो ये किचन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, होनी ही चाहिए। ये मैंने लिया है, बजाज का टोस्टर है ये, इसमें आप ब्रेड डाला और आराम से टोस्ट विद इन सेकेंड्स रेडी। और ये जो इसके ऊपर कवर दिया हुआ है, इससे ये अच्छा है कि आप इसमें डस्ट नहीं जाती है, ये अंदर से गंदा नहीं होता है। आप बस इसे ओपन किया, इसमें डाला, और यहाँ अपने सैंडविच मेकर पे, सैंडविच मेकर में बस आपके पास स्टफिंग रेडी होनी चाहिए और तुरंत मिनटों में सैंडविच बन के रेडी। अपने सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बोले तो हमारा वेजिटेबल चॉपर, इलेक्ट्रिक वेजिटेबल चॉपर। आपने इसको यहाँ से बस बटन पुश किया और यहाँ हमारी वेजिटेबल्स वगैरह चॉप हो जाती हैं। इवन इसमें आप नट्स वगैरह भी चॉप कर सकते हो, इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हो, तो आपको बहुत इजीली आपका रेडी हो जाता है सामान। ते हैं हमारा मिनी वेजिटेबल चॉपर में ये है कि आपके लाइट हो घर में या लाइट ना हो, ये आराम से आपकी कुछ भी सब्जियां चॉप कर देता है। बस ये क्या है, आप ग्लेन वाला जो मैंने लिया है ये बहुत ही आराम है, अगर लाइट नहीं है इन केस तो मैं इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें भी आसानी से चॉप हो जाता है। ऑयल डिस्पेंसर इसलिए मैंने ये ले लिया है क्योंकि इस स्लीक सा है, आप आराम से इसे उठा सकते हो और इससे ऑयल जो है एकदम लिमिटेड, जितना आपको चाहिए उतना ही ऑयल आता है बाहर, इसके अलावा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इस वजह से ये ऑयल डिस्पेंसर किचन में रखने से बहुत यूज़फुल है।